नमस्कार, मैं हूं रमन अमगाई। करीब दो महीनों से देश की सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री एक ही लड़की के इर्द गिर्द घूम रही है, और वो कोई और नहीं जिसकी मौत रहस्य बन गई उसकी गर्लफ्रेंड है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हर किसी की निगाह लगातार मैडम रिया पर टिक गई है। लेकिन अब तक रिया की माया कोई नहीं समझ पाया। आज हम रिया की इसी माया को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। सिलसिलेवार तरीके से रिया की जिंदगी का हर वो पन्ना पलटेंगे जिससे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री सुलझाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिया ही वो सिरा है जो इस केस की गुत्थी सुलझा सकती है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि रिया की माया के चैप्टर वन में रिया के इश्क का काला गुलाब, रिया की माया के चैप्टर टू में दिखाएंगे रिया की द बॉस, रिया की माया के चैप्टर थ्री में रिया की रंगीन दुनिया के बारे में बताएंगे, और रिया की माया के चैप्टर चार में रिया ड्रीम गर्ल के बारे में बताएंगे। सुशांत की डेथ मिस्ट्री का सच जिससे सीबीआई जानने की कोशिश में लगातार जुटी है, आज उसी रिया की माया को हम आपके सामने लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं रिया के इश्क से जिसका रंग काला पड़ गया। दरअसल रिया और सुशांत की मोहब्बत के लाल गुलाब का रंग कब काला पड़ गया किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे जैसे इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश आगे बढ़ी, वैसे वैसे रिया के भी कई रंग सामने आ रहे हैं, और जब इन सभी रंगों को मिला दिया जाता है तो लगता है रिया का एक ही रंग है, और वो है काला रंग। तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, जो अपनी हद पे तुझे क्या से क्या रिया चक्रवर्ती, एक ऐसा नाम जो देश के सामने सबसे बड़ी डेथ मिस्ट्री का सच ला सकता है। लेकिन जो रिया चक्रवर्ती अपनी मोहब्बत की मौत की गुत्थी सुलझा सकती है, उसकी माया ही समझना मुश्किल लग रहा है। कभी सुशांत को दिलो जान से चाहने का दावा करने वाली रिया खुद क्या चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि रिया सुशांत को लेकर जो भी कहती है, देर सवेर उस दावे का सच सामने आ ही जाता है। पर जो सच सामने नहीं आता, वो है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री का सच। मतलब सुशांत की सबसे करीबी रिया चक्रवर्ती से भी उनकी डेथ मिस्ट्री के बंद दरवाजे की चाबी नहीं मिल पा रही। ऐसे में सवाल है, क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत डेथ मिस्ट्री को सुलझाने में मदद करने से बच रही है? क्या रिया चक्रवर्ती कोई ऐसा सच जानती है जो वो चाह कर भी नहीं बता रही? ये सवाल इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, और रिया सच बोलने की जगह सीबीआई पूछताछ में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। सीबीआई अब तक रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई को लग रहा है कि रिया बहुत कुछ छिपा रही है। सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। जब रिया से पूछताछ की गई तो उस दौरान सीबीआई ने रिया को कहा कि हम आपको गिरफ्तार क्यों ना करें, आप जांच के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हैं। इसके बाद एसपी नूपुर प्रसाद से रिया ने ऊंचे लहजे में बात की। इसके बाद नूपुर प्रसाद ने रिया से कहा कि हमें सुशांत की मौत का मोटिव पता करना है, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही का सबूत दो।
मतलब रिया चक्रवर्ती को लेकर सीबीआई अब ज्यादा सख्त होती जा रही है, क्योंकि रिया लगातार सवालों के झूठे जवाब दे रही है। सीबीआई के जिन सवालों से रिया तमतमा गई वो सवाल ऐसे थे। सीबीआई ने रिया से पूछा, सुशांत की मौत के लिए आप खुद को जिम्मेदार कितना मानती हैं? सुशांत की मौत आपकी बेरुखी की वजह से तो नहीं हुई? मतलब सीबीआई के रडार पर रिया बुरी तरह है। दरअसल रिया पहले भी कई बार दावा कर चुकी है कि वो 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि रिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे सुशांत ने ही घर छोड़कर जाने के लिए कहा था और मैं काफी आहत थी। लेकिन महेश भट्ट के साथ रिया की एक चैट से ये मालूम चला है कि रिया ने सुशांत के साथ पूरी तरह से ब्रेकअप कर लिया था। ऐसे में सवाल है कि क्या सच्ची मोहब्बत का रंग इस तरह के झगड़े से अचानक काला पड़ सकता है? यही वजह है कि रिया की मोहब्बत और उसके इश्क का दावा भी अब सवालों के घेरे में है। हालांकि सच क्या है ये पूरी तरह जांच के बाद ही सामने आएगा। रिया सुशांत की जिंदगी की बॉस बन गई थी। रिया चक्रवर्ती ने जैसे सुशांत के वक्त को ही अपने कब्जे में कर लिया। दिल के रास्ते रिया ने सुशांत के दिमाग पर जगह बना ली और वो धीरे धीरे उन पर हावी हो गई। ऐसा संगीन इल्जाम रिया पर लगा है सुशांत के करीबियों की ओर से। कहा जाने लगा कि रिया हर तरह से सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और इतनी हावी हो चुकी थी कि उनके पारिवारिक जीवन में भी दरार डाल दी। पहले रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के दिल में जगह बनाई, फिर देखते ही देखते रिया उनके दिमाग पर हावी होती गई। अब तक दुनिया के सामने सुशांत की मौत का मातम मनाते हुए नजर आई रिया को लेकर ये गंभीर आरोप लगातार लगाए गए। सवाल है, क्या रिया फितरत से ही ऐसी है और सुशांत के साथ भी यही किया? ये इल्जाम किसने लगाए, आपको आगे बताएंगे। पहले आपको जनवरी 2020 का एक ऑडियो सुनाते हैं। इसमें सुशांत और रिया दोनों की आवाज सुनाई दे रही है। Far more extreme situations. I know for us, Sushant, this is critical. I understand what state of mind you are in, but believe you me that this is still not a situation where we would set up a trust. Keep it work. What about Chichorip or Manizhar? Everything is fine. सुना आपने, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर और फंड के मैनेजमेंट को लेकर होने वाली मीटिंग में शामिल है और वो अपनी राय देने की जगह मानो सुशांत को ऑर्डर सुना रही है। इस ऑडियो से मालूम चलता है सुशांत अपना खर्च कम करने के बारे में प्लान कर रहे थे, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि रिया उल्टा ही चल रही थी। वो सुशांत के खर्च में लगातार इजाफा करती रही। हमने वीडियो देखा है जिसमें रिया का पूरा परिवार बैठ के एक कंपनी चलाने की बात कर रहा है, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है, पैसे लेन देन की बात कर रहा है। तो ये बात तो जाहिर है और बहुत ही प्रूव्ड बात है कि पैसे का लेन देन होता था। अब अगर रिया चक्रवर्ती इतनी सच्ची हैं तो वो सीबीआई को गोलमोल आंसर क्यों दे रही है? क्यों नहीं सवाल के सीधे सीधे जवाब दे रही है? क्यों बोल रही है मुझे याद नहीं है और मैं भूल गई? कोई एक साल की बात कैसे भूल सकता है? लेकिन एक इंटरव्यू के जरिए सामने आई और अपनी सफाई में कहा, सुशांत के पैसों पर बिल्कुल नहीं जी रही थी, बल्कि अपना खर्च खुद उठाना पसंद करती थी। हाँ, एक बार सुशांत ने प्यार प्यार में मेरे मेकअप का खर्च भर दिया था, जिसका मुझे पता नहीं था। बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने उनके पैसे लौटा दिए। सवाल है, रिया का ये दावा सच है या फिर झूठ? अब जो खुलासा हुआ है उससे यही लग रहा है कि रिया का ये दावा भी झूठा है। ये रिया के दावे का पूरा सच है। सुशांत सिंह के अकाउंट से 48 लाख रुपए पहले क्वांट टैलेंट कंपनी के अकाउंट में दिए गए। इसके बाद करीब 26 लाख रुपए दोबारा क्वांट टैलेंट कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में भेजे गए। इसके लिए HDFC के अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। 3 जुलाई 2019 से लेकर 21 अगस्त 2019 तक सुशांत सिंह के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर 4,20,000 रुपए खर्च कर दिए गए। रिया के डोमिनेटिंग नेचर को लेकर सुशांत का पूर्व स्टाफ भी सवाल उठा चुका है।
रिया सुशांत के दिलो दिमाग पर हावी थी, यही इल्जाम उनका परिवार भी रिया पर लगा चुका है। रिया और उसके परिजन इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकियां बढ़ाई और वे सुशांत के हर मामले में दखल देने लगे। इसके बाद मेरा बेटा जहां रह रहा था उस घर को ये कहकर छुड़वा दिया कि इस घर में भूत प्रेत है। इस बात का प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया और वहां से मुंबई एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में उसे ठहरा दिया गया। सुशांत की बहन भी रिया पर उन्हें परिवार से मिलने ना देने का आरोप लगा चुकी हैं। सबसे खराब चीज थी कि मैं भाई से नहीं मिल पाई क्योंकि वो चंडीगढ़ से निकल गया था, क्योंकि रिया लगातार उसे कॉल्स कर रही थी और उसे कुछ काम भी थे। परिवार हमेशा चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा। मतलब इन सभी दावों को सच माने तो रिया वाकई बुरी तरह सुशांत के दिमाग पर हावी थी। रिया की माया आखिर है क्या, यही हम आपको बता रहे हैं। बोल्ड और बिंदास रिया जो फिल्मी पर्दे पर नजर आती है वही रिया सुशांत को लेकर जब अपनी सफाई देने सामने आई तो उसका रूप बिल्कुल बदला सा था। सफेद सूट वाली रिया को सारे देश ने देखा, फिर इसी रिया को लेकर ड्रग्स लेने के गंभीर आरोप भी लग गए। सुशांत इतना बड़ा एक्टर था, बहुत बड़ा पब्लिसिटी में आया था, उनको आत्महत्या करने की क्या आवश्यकता थी, और इसीलिए उसमें कोई डाउट हो सकता है। इसमें आत्महत्या का जो प्लानिंग है वो तो दिखाया है, लेकिन इसके पीछे कोई मतलब राज ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें मर्डर भी हो सकता है, इसीलिए राज खुलना चाहिए। ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसने सुशांत डेथ मिस्ट्री की सुई ड्रग्स के खतरनाक खेल की ओर घुमा दी है। ये व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप का है जिसमें सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी समेत कई लोगों के साथ की गई रिया की व्हाट्सएप ड्रग्स चैट सामने आई है। रिया चक्रवर्ती की चैट में गौरव आर्य का भी नाम सामने आया है जिसमें वो कई तरह के ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। गौरव आर्य पर ड्रग पेडलर होने का शक जताया जा रहा है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत को चुपचाप ड्रग्स दिया जा रहा था, ये साजिश रिया की थी या फिर इसके तार कहीं और जुड़े हैं। इस चैट में वाटरस्टोन रिजॉर्ट की भी बात हो रही है, इसमें ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई है। ये ग्रुप चैट जुलाई 2019 का है। ये वही रिजॉर्ट है जहां सुशांत को आध्यात्मिक इलाज के लिए ले जाया गया था। इस ड्रग ट्रेल के खुलासे के बाद सुशांत की बहन श्वेता ने ट्वीट करके पूछा कि ये चल क्या रहा था। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पूछताछ में रिया से इस ड्रग ट्रेल को लेकर भी सवाल किया गया। सवाल पूछा गया कि गौरव आर्य कौन है, क्या आप ड्रग्स लेती थी, आपने कभी सुशांत को ड्रग दिया, सुशांत ड्रग्स लेते थे, सुशांत ने कभी ड्रग्स की ओवरडोज ली थी। इससे पहले रिया ने कुछ न्यूज चैनलों से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने लाइफ में कभी ड्रग्स नहीं ली है और वे किसी भी टेस्ट से गुजरने को तैयार हैं। लेकिन इस ड्रग ट्रेल के खुलासे के बाद रिया अपने ही खेल में उलझती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जो रिया चक्रवर्ती सारे देश के सामने तमतमाई सी नजर आती हैं, उसके पीछे की सफर की कहानी क्या रही, कैसे दक्षिण भारत के एक सूबे से निकली लड़की माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने की तमन्ना लेकर आई और खुद को लाइट कैमरा एक्शन के बीच फिट करने लगी, लेकिन रिया को कामयाबी या पहचान हासिल नहीं हुई। फिर रिया की जिंदगी में सुशांत आ गए। रिया चक्रवर्ती दौड़ती भागती माया नगरी मुंबई में भीड़ के बीच अपनी एक अलग पहचान और मुकाम बनाने वाली बोल्ड और बिंदास बाला, सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जिसका स्टाइल और बेलौस अंदाज लाइट कैमरा और एक्शन पसंद करने वालों को खूब रास आया। लेकिन अब इसी रिया की लाइफ सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल है कि रिया जिन बुलंदियों तक पहुंची उस सफर की कहानी क्या थी, दक्षिण भारत में जन्मी रिया के ग्लैमर की दुनिया में फिक्स होने के पीछे की वजह क्या है।
आज समय की फेर ने भले रिया के वजूद को ही सवालों के घेरे में ला दिया, लेकिन आर्मी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई करने वाली रिया स्कूल के दिनों में मेधावी और अनुशासित छात्रा हुआ करती थी। छोटे पर्दे पर अपना हुनर दिखाने की कोशिश करने वाली रिया को कई जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि साल 2013 से रिया ने मेरे डैड की मारुति जैसी फिल्मों में काम किया। रिया ने साल 2014 में सोनाली केबल की, लेकिन ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही। रिजल्ट ये निकला कि रिया चक्रवर्ती को 3 साल तक खाली बैठना पड़ा। लेकिन रिया की किस्मत का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक पार्टी में उनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से हो गई। हालांकि आज रिया के लाइफस्टाइल में बदलाव लाने वाली यही मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यदि रिया की माया, आगे बढ़ते हैं और खबरों से हर वक्त अपडेट रखने के लिए जी हिंदुस्तान आपके लिए मोबाइल ऐप लाया है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। देश प्रदेश, दुनिया, राजनीति, खेल, समाज, अपराध सहित हर तरह की खबरों से आपको अपडेट करने के लिए इस ऐप में हमने कई स्पेशल फीचर्स दिए हैं। ये मोबाइल ऐप आपको आपकी भाषा में अपडेट करेगा। हम इस ऐप को आपके लिए 5 भाषाओं में लेकर आए हैं। जरूर डाउनलोड कीजिए जी हिंदुस्तान का ये मोबाइल ऐप और हर वक्त रहिए बाखबर। लेकिन जी हिंदुस्तान में अभी वक्त है एक ब्रेक का।